अब हम बात करेंगे कि किस किस तरह के रोग रेटिना को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले जन्मजात रोग, अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो पैदाइशी रूप से हमें हो सकती हैं या बच्चों को हो सकती हैं, जिनका पता पैदा होते भी पता चल सकता है या कुछ महीने या कुछ सालों के अंदर पता चलता है। जैसे कि पहली बीमारी हो गई पर्दे का कैंसर, रेटिनोब्लास्टोमा। अगर किसी बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा है तो 3 महीने से 3 साल की उम्र के बीच में अगर वो पता नहीं चलता है तो बच्चा अपनी रोशनी खो सकता है। दूसरी बीमारी प्री मैच्योरिटी से रिलेटेड है, यानी समय से पूर्व जन्म होने की वजह से। एक बच्चे का जन्म समय यानी 9 महीने पे पूरा होता है, उस समय आँख की खून की नलियाँ पूरी तरह बन चुकी होती हैं और ऑक्सीजन का प्रवाह सही चलता है। लेकिन यदि बच्चा 9 महीने से पहले पैदा होता है तो ये खून की नलियाँ कभी कभी पूरी बनी हुई नहीं होती हैं और इस वजह से बच्चे को आँख की पर्दे की बीमारी आ जाती है, जिसे हम रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी कहते हैं। भारत में यदि बच्चे का जन्म 1.75 किलो से कम पे हुआ है या फिर उसका जन्म 32 हफ्तों से पहले हो रहा है तो ऐसे स्थिति में ज़रूर ज़रूर बच्चे का आँखों का पर्दे का चेकअप होना चाहिए जन्म होने के 1 महीने के अंदर अंदर। ये पहली बीमारी हो गई जो बच्चों की हो सकती है पैदा होने के बाद में। दूसरी पर्दे की बीमारी हो सकती है चोट लगने की वजह से। चोट लगने की वजह से न केवल आँख की पलक, काली पुतली, लेंस, बल्कि अंदर पर्दा और तो और साथ में आँख की नस भी डैमेज हो सकती है और कुछ ऐसे इसमें प्रभाव पड़ते हैं जिसमें कि शायद दोबारा रोशनी कभी ना बढ़ पाए। चोट लगने की वजह से अगर आँख की दीवार में फट गई है या आँख की काली पुतली कट गई है या लेंस कट गया है तो साथ ही साथ पर्दे का नुकसान और पर्दे पे खून उतरना आमतौर पर पाया जाता है। ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द इन आँखों की जाँच पड़ताल और उपचार सर्जरी द्वारा होना चाहिए। कई सारे शरीर के रोग आँखों के पर्दे को भी डैमेज कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ से आँख के पर्दे की खून की नलियाँ डैमेज नुकसान में जाती हैं और उससे आँखों की रोशनी कम हो सकती है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी डायबिटीज़ को ज़रूर कंट्रोल में रखिए, स्वस्थ खाना खाइए, स्वस्थ रहिए और समय समय पर अपनी आँखों का चेकअप करवाइए। डायबिटीज़ के मरीजों को 6 महीने से साल भर में एक बार अपने आँखों के पर्दे का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, चाहे उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है फिर भी उनको चेकअप कराना चाहिए। डायबिटीज से होने वाले डैमेज में हम इंजेक्शंस, लेज़र और ऑपरेशन द्वारा उसका पूर्ण तरह उपचार कर सकते हैं। डायबिटीज़ के अलावा जो बीमारी है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, वो भी खून की नलियों को डैमेज करता है। और तीसरा हार्ट के मरीज जिनमें वैसे ही नलियां जो हैं वो संवेदनशील हैं। जो मरीज डायबिटीज से ग्रसित है, बीपी से ग्रसित है या हार्ट की बीमारी से ग्रसित है उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है कि आँखों की पर्दी को भी नुकसान हुआ है और काफ़ी कुछ हद तक उन मरीजों की किडनी में भी डैमेज होता है।